नमस्कार दोस्तों, दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान राशिफल में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को 18 अप्रैल दिन सोमवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आएगा संपूर्ण राशि पर बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज सोमवार है, शिव जी का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय शिव जी लिखें, शिव जी आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 18 अप्रैल 2022 दिन सोमवार, आज की तिथि द्वितीया, आज का नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 5:53 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 6:48 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 11:54 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। दोस्तों आज आपको शुभकार करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है दोपहर 12:46 से दोपहर 1:38 तक रहेगा। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 5 और शुभ रंग है गुलाबी और फिरोजी। दोस्तों अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों काम काज में आपकी तेजी लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान कर देगी। आप ऐसे स्रोत से धन अर्जित कर सकते हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी सोचा ना होगा। पड़ोसियों से झगड़ा आपका मूड खराब कर सकता है, लेकिन आप अपना आपा ना खोएं, इससे सिर्फ आग भड़केगी और कुछ नहीं होगा। अगर आप सहयोग ना करें तो कोई भी आपसे झगड़ नहीं सकता है। सबसे अच्छा रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करें, आप महसूस करेंगे कि प्यार में बहुत गहराई है और आपका प्रिय आपको सदा बहुत प्यार करेगा। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं तो वो आज आपसे शिकायत कर सकते हैं क्योंकि आप उनको पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं। बारिश को रोमांस से जुड़ा माना जाता है और आज आप अपने जीवन साथी के साथ प्यार की बारिश महसूस कर सकते हैं। अपने प्रिय के साथ पर्याप्त समय बिताने की संभावना है, ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ऐसे पहल ही तो किसी संबंध को प्यार में महसूस करते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कोई अच्छी खबर मिल सकती है, केवल एक दिन को नजर में रखकर जीने की अपनी आदत पर आपको काबू करना चाहिए और जरूरत से ज्यादा वक्त व पैसा मनोरंजन पर खर्च ना करें। आप दोस्तों के साथ व्यतीत वक्त बिताएंगे लेकिन गाड़ी चलाते वक्त आपको सावधानी बरतनी चाहिए। प्यार में अपने अशिष्ट बर्ताव के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। आज धार्मिक कार्यों में आप अपना खाली समय बिताने का विचार बना सकते हैं। इस दौरान बेवजह की बहसों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप जीवन साथी के अलावा किसी और को अपने ऊपर असर डालने का मौका देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन साथी की ओर से आपको नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलना संभव है। दोस्तों के साथ फोन पर गपशप से बढ़िया और क्या हो सकता है, इससे आपका उबाई दिमाग भी खत्म होगा। साथ ही साथ आपको बताएं आज आप कई तरह की छोटी छोटी दिक्कतों से गिर सकते हैं। अपने अंतर मन की बात सुने, अच्छी चीजों को ग्रहण करने के लिए आपका दिमाग खुला रहेगा। प्राप्त हुआ धन आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा, आप दूसरों के चक्कर में पड़कर अपने लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आपके घर पर अचानक से कोई रिश्तेदार आ सकते हैं, आपको उनसे बात करके अच्छा लगेगा। शाम को आपको अपने पारिवारिक माहौल पर आपको ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ आपको बताएं किसी काम को खुद से लीड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन दूसरों के निर्देशों को मानते हुए अगर आप काम ना करें तो आपके लिए दिन सामान्य रहेगा। आपकी राशि के लिए चंद्रमा की स्थिति ठीक है, काम का ज्यादा रहेगा, आज मेहनत भी ज्यादा हो सकती है, इससे आपको बड़ा फायदा होगा। कोई नई चीज सीखना चाहते हैं तो आप सीखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मांगलिक समारोह में भी आपको शामिल होने के योग हैं। नए दोस्तों से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। और दोस्तों आपको बताएं आज आपको तरक्की के कुछ नए साधन भी मिलेंगे। मित्रों के साथ गपशप कर आपका मन हल्का रहेगा। वैवाहिक जीवन में खर्च अधिक होने के योग हैं। प्रेम जीवन में आपका उत्साह मंद पड़ सकता है। आज धन से जुड़े कार्य प्रभावित हो सकते हैं,
प्रॉपर्टी के लिहाज से आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। इंतजार करें, यदि आज आप घर जल्दी जाने की तैयारी में तो ऑफिस के काम से आपको उलझना नहीं चाहिए। आप अपनी सेहत की चिंता में परेशान रहेंगे, लेकिन आपका डर बेवजह साबित होगा। साथ ही साथ आपको बताएं, लेन देन और निवेश में थोड़ी सावधानी जरूर रखें, क्योंकि कोई भरोसेमंद इंसान भी आपके साथ धोखा कर सकता है। घरेलू जीवन के लिए उमंग भरा हो सकता है। आप कोई घर के लिए बड़ा सामान भी खरीद सकते हैं, या फिर नया वाहन खरीदने के लिए भी आपके पास काफी समय उत्तम रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए यह समय बहुत ही शानदार हो सकता है। जीवन साथी से भरपूर प्रेम व सहयोग की आप आशा कर सकते हैं। सेहत के लिहाज से यह समय ठीक ठाक रहेगा। इस समय आप अपने मनोबल तरोताजा रखने के लिए आज सैर सपाटे पर भी जा सकते हैं। अच्छे माहौल का निर्माण होता हुआ दिख रहा है। उच्च अधिकारियों की कृपा आप पर बनी रहेगी। बिजनेस में अपने प्रतियोगियों को परास्त करते हुए आप अच्छा धन कमा पाएंगे। आपको आर्थिक परेशानियां खत्म होती हुई दिखेंगी और पुराना उधार दिया गया धन आज आपको वापस मिल सकता है। साथ ही साथ आपको बताएं, आपकी योग्यता तथा उपलब्धियों को समझ आपके विरोधी परास्त होंगे तथा उनके द्वारा की गई कोई नकारात्मक गतिविधि सफल नहीं होगी। अपनी सभी योजनाओं को कार्य रूप में परिवर्तित करते हुए उचित समय है। सफलता आपकी राह देख रही है, परंतु अपनी अत्यधिक आकांक्षाओं को जल्दी पूरा करने के प्रयास में कोई अनुचित कार्य ना करें, क्योंकि ऐसा करना आपकी बदनामी का कारण बन सकता है। विद्यार्थी भी गलत प्रवृत्ति के दोस्तों से दूर रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव आपकी पढ़ाई और कैरियर पर पड़ेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। किसी निकट संबंधी की सगाई, विवाह आदि से संबंधित शुभ सूचना आपको मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके कैरियर की। तो दोस्तों, कार्य क्षेत्र के साथ साथ मार्केटिंग और अपने संपर्क संबंध मजबूत करने की कोशिश करें। आर्थिक स्थिति इस समय मजबूत रहेगी। क्लाइंट के साथ भी मधुर व्यवहार और धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि गुस्से की वजह से संबंध खराब हो सकते हैं। इससे आपको आने वाले समय में आर्थिक तंगी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज आप अपने प्रेमी प्रेमिका को घूमने का ऑफर कर सकते हैं, तभी आपके प्रेम जीवन में वृद्धि होगी और प्यार के साथ साथ हर तरह के संयोग संभावना उत्पन्न हो सकती है। और आज आप एक दूसरे के कामकाज को लेकर भी सहयोग हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज आप अपने जीवन का पूर्ण रूप से आनंद लेंगे और अपने प्रियतम को स्पेशल फील करेंगे। इससे आपके प्रेम जीवन में मधुरता और बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति भी आकर्षण की भी वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, प्रेम संबंधों को लेकर आज स्थितियाँ काफी आपके अनुकूल रहने वाली हैं, परंतु आप अपने प्रेमी प्रेमिका के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास रखते हुए आप एक दूसरे के साथ समय बिताने का आज प्रयत्न करें। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि दोस्तों, आप किसी से प्यार करते हैं और उसे पता ही नहीं है, तो ऐसे में एक दूसरे को समझना और समझाना आपके लिए आवश्यक है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज आपका स्वास्थ्य समर्थ बना रहेगा, लेकिन सुबह सुबह आपकी ग्रह स्थिति के कारण आज आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही परिणाम आज आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, शारीरिक से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य पर आज आपको अधिक जोर देने की जरूरत है। साथ ही साथ आपको बताएं कि अब आपको अपने क्रोधता शांति बनाकर रखनी होगी। और दोस्तों, आप अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान पर ध्यान रखें और रोजाना योगा व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे।